सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक छोटा सा बच्चा बत्तख की मदद करते नजर आ रहा है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो बच्चे की जमकर तारीफ कर रहा है। भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, अपना घोंसला बनाने में सभी की मदद करें। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो बत्तख तालाब में पानी में अपना घोंसला बना रहे हैं, लेकिन तभी एक बत्तख तो घोंसले में रहती है, वहीं दूसरी बत्तख की अगर बात की जाए तो वो किनारे से लकड़ी और घास का एक एक तिनका उठा कर लाती है और घोंसले के पास रख देती है। उसके बाद दूसरी बत्तख इस लकड़ी या घास के तिनके को उठाकर घोंसला बनाने लगती है। जब एक बच्चे की इस चीज पर नजर पड़ती है तो वो उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करता है। वह किनारे पर खड़े होकर बत्तख को लकड़ी के टुकड़े एक एक कर देने लगता है। लकड़ी के टुकड़े लेने बत्तख बार बार आती है और बच्चा लकड़ी के टुकड़े देकर उसकी मदद करता रहता है, जिसके बाद वो बत्तख घोंसले के पास इन टुकड़ों को रख देती है। इस वीडियो को सुशांत नंदा ने 11 दिसंबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसे अब तक 15,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस वीडियो को अब तक सोशल मीडिया पर कई लोग देख चुके हैं, वहीं इस वीडियो को अब तक 2000 से ज़्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अब तक 281 बार रीट्वीट भी किया जा चुका है और तमाम यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही इसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। इस बच्चे को कुछ लोग दयालु भी बता रहे हैं और कई लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, लवली सो क्यूट, तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट करा और कहा, इंटेलिजेंट। इसके अलावा कई लोग इस वीडियो पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस तरह इस बच्चे ने उस बत्तख की घोंसले बनाने में मदद की, उसको देख कर कोई भी व्यक्ति भावुक हो जाए। ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और साथ ही इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।